आज हम आपको कुर्ती का डिजाइन गला बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने पेपर बुकरम लिया है। इसके एक साइड वैक्स लगा रहता है, दूसरी साइड ये प्लेन रहता है। प्लेन साइड से हम फोल्ड करेंगे, ये बंद की साइड से हम सेंटर का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं, यहाँ एक निशान लगा लेंगे। गले की लंबाई हम 7 इंच ले रहे हैं। नीचे से भी हम 2.5 इंच पे एक निशान डाल लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से जोड़ लेंगे। अब हम इसमें गला ट्रेस करेंगे। ऊपर से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से हम यहाँ तक गोल का निशान लगाएंगे, गोलाई का। इस लाइन से 1/2 इंच बाहर को निकालते हुए इसके पास लेके आना है। अब इसको 1/2 इंच इस लाइन से अंदर को लाएंगे। अब हम नीचे से हल्का सा शेप देके इस तरह से गोलाई का निशान लगा के इस निशान से मिला देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। अंदर से 1 इंच बुकरम छोड़ के इस तरह से पूरे पे निशान डाल देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको प्रेस करके चिपका के बताएंगे। ये कपड़े पे हम वैक्स लगा हुआ साइड बराबर करके रख लेंगे। गले को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इसको प्रेस से दबा के चिपका देंगे। ये गला आसानी से चिपक जाता है और लगाने में भी आसानी होती है। अब बाहर साइड से हम 1 इंच कपड़ा छोड़ेंगे और बड़े हुए कपड़े को कट कर देंगे। अब हम आपको गला सिल के बताएंगे। इस कपड़े की हम पाइपिंग बनाएंगे। ये हमने तिरछा कटिंग किया हुआ कपड़ा लिया है। ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। सीधा साइड को अंदर करके फोल्ड करेंगे। सुई को नीचा करके अब हम इसको 1 पॉइंट छोड़ के सिलाई लगाएंगे। इसमें डबल सिलाई कर लेंगे। बड़े हुए कपड़े को हम कम कर लेंगे, कट कर देंगे थोड़ा सा छोड़ के। बंद की साइड से जो हमने सिलाई लगाई है
इधर से हम पाइपिंग को सीधा करेंगे। अब ये पाइपिंग के चार भाग कर लेंगे। सबसे पहले हम ये कपड़ा है इसको बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। यह सेंटर में हम एक मार्क कर लेंगे। ये कपड़ा देखे इसलिए हम इसको कट कर देंगे। नीचे से हम इस तरह पकड़ के फोल्ड करेंगे और ये ऊपर की साइड से इस तरह से गले को फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों भाग को हम बराबर लेंगे, इस तरह सेट करके सेंटर में एक कट का निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम ये कपड़े में, ये आगे का भाग है, आगे के भाग का ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। सीधे साइड पे हम ये तीरा है, यहाँ सेंटर में हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी इसी निशान के ऊपर हम इस गले को रखेंगे। एक गले का कट का निशान और ये आगे के कपड़े का जो निशान है, दोनों को मिला लेंगे। नीचे जो हमने सेंटर में निशान लगाया है, ये निशान और कपड़े का निशान दोनों मिला लेंगे और इसके नीचे तक सिलाई लाएंगे यहाँ से। ये बुकरम के नीचे यहाँ पे किनारे से सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ नीचे किनारे किनारे। नीचे सिलाई लगाने से बुकरम में सेफ अच्छी आती है। अगर बुकरम के ऊपर सिलाई लग जाती है तो सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसलिए इसके किनारे किनारे सिलाई लगानी चाहिए। अब हम एक पॉइंट कपड़ा छोड़ के कट करेंगे।
ये कपड़ा के किनारे से छोटा छोटा कट लगा लेंगे, जो हमने सिलाई लगाई है ये सिलाई ना कटे, इसके बार बार से ऐसा छोटा सा कट डाल देंगे। ये कट लगाने से जब हम गले को फोल्ड करेंगे, बुकरम को अंदर फोल्ड करेंगे, तो इसमें सिलवट नहीं आते, चुन्नट नहीं आते। अब हम ये नीचे की सिलाई खोल देंगे, बुकरम को नीचे पलट देंगे। गले को हमने फोल्ड कर दिया है, फोल्ड करके हम यहाँ सेंटर में बराबर पे निशान डाल देंगे। अब हम यहाँ ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ सिलाई लगा के सुई को नीचा करेंगे और ये जो नीचे की गोलाई है यहाँ पे हम ये दो पाइपिंग इसके नीचे डाल देंगे। और इस पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने जो निशान डाला है इसके पास हम ये पट्टी को ऐसे पाइपिंग को बंद कर देंगे और इसी निशान के पास लगा देंगे, कपड़े के नीचे दबा देंगे। अब हम पाइपिंग को गले की सेफ में लगा देंगे इस तरह। ये जो दो पाइपिंग है इसको हम इसी साइड लगाएंगे। और ये जो दो पाइपिंग है इसको हम इस साइड के नीचे इधर फंसा देंगे। हम ये पट्टी को ये दो पाइपिंग इधर इस साइड कर लेंगे, दो इस साइड हो गई, दो इस साइड करके ये पट्टी को इस तरह से नीचे से दबा के पाइपिंग को अंदर दबा देंगे। और इस पट्टी को कपड़े के नीचे डाल देंगे इस तरह से।
पाइपिंग को हम नीचे कर देंगे ताकि ये बाहर से दिखाई ना दे। ये गला बनके तैयार हो गया है। इसी तरह आप दूसरा भी कोई डिजाइन कर सकते हैं। सलवार का कपड़ा आप या चूड़ीदार का कपड़ा आप लगा सकते हैं, या आपकी कुर्ती में कोई और कलर है वो आप लगा सकते हैं मैचिंग करके। अगर आप इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।